दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में बन रहे प्रगति मैदान के बारे में, जो दिल्ली में अनेकों तरह के व्यापार मेलों का आयोजन करता है। प्रगति मैदान अपने कायाकल्प के साथ ही जल्द ही हमारे सामने आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया के न्यू विजन के साथ इसका ये नया स्वरूप तैयार किया गया है। आज हम आपके सामने प्रगति मैदान के इसी नए स्वरूप को पेश करने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी कुछ खास बातें। तो हो जाइए तैयार प्रगति मैदान की सैर करने के लिए। दिल्ली का प्रगति मैदान दक्षिणी एशिया के लिए आधुनिक मेला संस्कृति के लिए उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों का दुनिया भर में व्यापारिक भाईचारा बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रभाव को देखते हुए प्रगति मैदान की कायाकल्प की जरूरत महसूस की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की तर्ज पर अब प्रगति मैदान का ये नया रूप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रगति मैदान में बन रहा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर बेहद आधुनिक होगा। कन्वेंशन सेंटर के भूतल में 4,800 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके बाद प्रगति मैदान के आसपास लगने वाले भयंकर ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस पार्किंग को अलग अलग कई सड़कों से जोड़ा जाएगा, ताकि एंट्री और एग्जिट में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रोजेक्ट का साइज बेहद विशाल है और इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 3,82,248 वर्ग मीटर की परियोजना का विकास किया जा रहा है। इसमें 52,400 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर होगा। 1,51,687 वर्ग मीटर में 6 आधुनिक प्रदर्शनी हॉल्स का निर्माण होगा। 1,68,305 वर्ग मीटर में 4,800 वाहनों की भूतल पार्किंग की सुविधा होगी और 8,857 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर के सिंगल फॉर्मेट हॉल में 7,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं प्लेनरी हॉल की क्षमता 3,000 व्यक्तियों की होगी। ITPO के मुताबिक इस केंद्र की क्षमता विज्ञान भवन से 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इसमें अलग अलग क्षमताओं वाले 25 बैठक कक्ष और G20 जैसे प्रीमियम कक्ष भी शामिल है। साथ ही इस केंद्र में 3,000 व्यक्तियों की क्षमता का एक एम्फीथिएटर भी होगा। दोस्तों, ट्रेड फेयर या दूसरे बड़े आयोजनों के दौरान होने वाली असुविधा को देखते हुए पुराना किला रोड को प्रगति मैदान से 6 लेन की सुरंग के माध्यम से रिंग रोड से जोड़ा जाएगा, जो भैरव मार्ग का विकल्प होगा। इसके अलावा रिंग रोड के साथ और मथुरा रोड के टी जंक्शन और TPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल के W प्लांट तक मथुरा रोड के पूरे हिस्से को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। ये न केवल इस एरिया में यातायात को सुगम करेगा, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी कमी लाएगा। नए स्वरूप में आने वाले IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को ट्रैफिक जैम से मुक्त करने वाली परियोजना की लागत 3,437 करोड़ रुपए आएगी। सरकार की कोशिश है कि फेयर्स और एग्जीबिशंस के कल्चर के साथ यहां आने वाले लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाएं। दिल्ली के प्रगति मैदान में मेलों और प्रदर्शनियों को देखने के लिए दुनिया भर के व्यापारी आते हैं और यही कारण है कि इसे भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी को ध्यान में रखते हुए 123 एकड़ में फैले हुए इस प्रगति मैदान में एक 5-स्टार होटल भी बनाया जाएगा।
इस होटल के संचालन का जिम्मा भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी IATDC और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC को दिया गया है। ITPO के मुताबिक ये होटल और IECC परियोजना भारतीय व्यापार और उद्योग जगत को लाभ पहुंचाएगा। हर साल नवंबर में राजधानी दिल्ली का सबसे खूबसूरत और बड़ा मेला भी यहीं लगता है, जिसे हम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी IITF के नाम से जानते हैं। इस मेले की खासियत ये है कि इस मेले को देखने के लिए देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के पैविलियंस मेले का खास आकर्षण होते हैं। इस मैदान पर खाली एक ही ट्रेड फेयर नहीं लगता, बल्कि साल भर मेलों का रेला लगा रहता है। पुस्तक मेला, ऑटो एक्सपो, फ्लावर शो, फुटवेयर मेला, आहार खाद्य मेला, स्टेशनरी एंड ऑफिस ऑटोमेशन फेयर, आजीविका मेला, इंडिया गारमेंट्स फेयर, इंडिया सिल्क फेयर और ना जाने कितने ही अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। हर साल यहाँ 50 से भी ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है, यानी हर महीने औसतन 4 से भी ज्यादा मेले आयोजित होते हैं। दोस्तों, अतीत के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि प्रगति मैदान में पहली बार फेयर 1954 में लगा था। तब भी दूर दराज से लोग यहाँ मनोरंजन के लिए आते थे। 1965 में यहाँ छोटे स्तर पर इंजीनियरिंग मेला लगा, लेकिन उसके बाद 1971 तक यहाँ कोई आयोजन नहीं हुआ। 1972 में यहाँ फिर से मेलों की शुरुआत करी गई। 70 के दशक में एशिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला एशिया 1972, जिसे एशिया 72 भी कहा जाता था, के आयोजन के साथ ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसके बाद इस मेले परिसर को प्रगति मैदान का नाम दिया गया। 1972 के बाद यहाँ मेलों के आयोजन लगातार होते चले गए और ये सिलसिला पूरे जोर शोर से आज भी जारी है। प्रगति मैदान देश ही नहीं, विदेशों में भी बहुत मशहूर है। आज इसकी कायापलट न केवल फेयर्स और एग्जीबिशंस में अपनी वर्ल्ड क्लास इमेज बनाएगा, बल्कि मोदी सरकार के न्यू इंडिया के विजन का रास्ता भी बनेगा, साथ ही उद्योग जगत को एक बड़ा बल भी देगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत।